गढ़े जी, रमाकांत यादव, नामदेव यादव और जो सतीश पिलनवाड है, ये लोग कौन है? ये वहाँ के जो डायरेक्टर है केतन पटेल, इन लोगों ने गरीब जनता को फंसाने का जो ये तरीका चुना कि सस्ते भाव में घर देना और उन लोगों को कुछ ऑफर्स उनके सामने रखना, इसका प्रलोभन देके उन लोगों ने गरीब जनता को फंसाया हुआ है। फंसाने का जरिया क्या उन्होंने चुना कि भाई आपको सस्ते में अच्छा घर दिया जाएगा, और ये प्रलोभन देके उन लोगों ने गरीब जनता को, जो बेचारे बर्तन घिस रहे थे, कोई मजदूर था, कोई हाथगाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, उसने ये अपेक्षा रखी कि मुझे सस्ते भाव में बहुत अच्छा घर मिलेगा, और इस इच्छा से लेकर उसने अपनी पूरी मेहनत की पूंजी उनके यहाँ लगाई, और इस रमाकांत यादव ने और उसके जो सहयोगी है उन लोगों ने इन लोगों के साथ जो इनके नाम का लोन उठाया, और लोन उठाने के बाद इनको कर्ज कर्ज में डाल दिया। आज इन लोगों के इनके सिविल खराब हो गए, लोगों के सिविल खराब हो गए, लोग परेशान है, हैरान है, और लोग जाएंगे कहाँ? कोई जाएगा तो पुलिस स्टेशन जाएगा, कलेक्टर ऑफिस जाएगा, आर्थिक गुने शाखा में जाएगा, ग्रामीण विभाग में जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है? कहीं भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, और वो सुनवाई न होने का ही रीज़न है कि आज ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और ये हरदम इकट्ठे होते रहेंगे। जब तक हमारा संदेश, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये जनता इसी तरह इकट्ठा होती रहेगी, और हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। केवल रमाकांत यादव जिसने ये लोगों को फंसाया हुआ है, वो इस कंस्ट्रक्शन को चालू करे सही ढंग से, लोगों का घर दे दे, लोगों के सिविल जो खराब हुए हैं उन्हें सही ढंग से कर दे, या फिर इन सब के पैसे व्याज के साथ उन्हें लौटा दे। बस ये जो डिमांड है इन्होंने जो बताया यह वीडियो में लोगों की यही है कि उनको उनका घर मिल जाए, सबसे पहली प्राथमिकता है। अगर नहीं घर दे पाता तो ब्याज समेत उनका जो है पैसा उनको वापस मिल जाए। हाँ, आप कुछ करें। मेरा नाम प्रोग्राम बीडार 2011 में जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो सबको बोला कि हमारा ये प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर हो गया। नॉन एग्रीकल्चर बिना कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता है, और ये प्रोजेक्ट जो है ना, एकता बिल्डकॉन ने शुरू किया था कॉम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट, लेकिन अभी तक कॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, चाहे कॉम पंचतत्व, चाहे कॉम ब्रह्मांड, चाहे कॉम गार्डन, किसी में भी कॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का नाम नहीं है जमीन में, और कोई डायरेक्टर का नाम नहीं है उसमें। केतन बी पटेल जो एकता बिल्डकॉन का जो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका ही नाम है। अभी 2011 साल और 2022, आप सोचिए एक बिल्डर कितना बड़ा चीटिंग किया पब्लिक का सामने। तो ये जो रमाकांत यादव के नाम पे आप लोग कह रहे हैं, वो मालिक नहीं है उसका? वो जमीन का मालिक अभी ऑनलाइन में नहीं है, टोटली चीटिंग करा है। इसके लिए हम लोग RTI कर रहे हैं कलेक्टर ऑफिस में। भाई 2011 में कि 2015 में किसका नाम पे था वो जरा मुझे बताइए। सभी यहाँ जितने भी पब्लिक है सभी ने RTI कंप्लेन किया है, और बैंक में को भी दिया है। बैंक आपने लोन कैसे दिया? जो प्रोजेक्ट अभी तक नॉन एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, आप लोग लोन कैसे दिया है? एक बार मुझे और आप बताएंगे अभी इस समय किसके नाम पे शो कर रहा है प्रॉपर्टी? अभी एकता बिल्डकॉन का नाम पे शो कर रहा है, और उसका मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है केतन बी पटेल। और इस प्रोजेक्ट में और क्या गलती है, कर्म रेसिडेंसी प्रोजेक्ट में OC जो है ना, वो ग्राम पंचायत का दिया हुआ है, जबकि एज पर GR 2015 और एडिटिव का हिसाब से वो कभी भी ग्राम पंचायत ले नहीं सकता है। अभी मैं बाद में आके बात करता हूँ। कलेक्टर साहब बुला रहे हैं, जैसे कि अभी कलेक्टर साहब ने बुलाया हुआ है, सभी लोग वहाँ चल रहे हैं, और आप देख रहे हैं हम लोग कलेक्टर ऑफिस से।